है वो सेक्शन है 91-92। बीच के सेक्शन वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रूल है, रूल ऑफ सबरोगेशन, प्रत्यासन का सिद्धांत। देखो जो प्रत्याशन है, हिंदी में इसको ऐसे समझ सकते हो, प्रतिस्थापित होना, प्रति माने विपरीत और स्थापित होना, जहां जो कोई व्यक्ति था उसके स्थान पर दूसरा स्थापित हो जाता है तो उसे प्रत्याशन बोलते हैं, उसे सबरोगेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से पहले समझ लो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ए है, इसने अपनी पी प्रॉपर्टी को बी को मॉर्गेज किया, ठीक है, 50,000 रुपये में बी को मॉर्गेज किया। फिर इसी प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए में सी को मॉर्गेज कर दिया, ज्यादा हो गया क्या? सही है, 5 ही हैं। हाँ, 1 लाख रुपए में सी को मॉर्गेज कर दिया। अब बी ने हद कर दी कि भाई मेरे को तो पैसे दो, नहीं पैसे दोगे तो ये कर दूंगा मैं, तो आपको प्रॉपर्टी नीलाम करूंगा, ये करूंगा। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास ही गया कि एक काम करो, आप हमें 50,000 और दे दो, 1 लाख तो दे ही रखे, और ये प्रॉपर्टी क्यों? कारण बताओ क्या है? कि कारण ये है कि ये प्रॉपर्टी मैंने बी को भी मॉर्गेज कर रखी है 50,000 के लिए। तो सी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। या ये कहता है कि मैं ये कहता है कि मैं अपने स्थान पर इसे ले आता हूं, मतलब 50,000 रुपया बी ले लेता। दो चीजें मैंने बताई हैं, या तो ये, या ये इसको ले आता है, या जब ये अपने हिस्से को लेने की कोशिश कर रहा है तब सी ने इससे कहा कर ले पैसे ले, क्योंकि तो मेरे पास भी मॉर्गेज है। मैंने तो 3 स्थितियां बताई आपको। तो एक तरह से इस ट्रांजेक्शन में ही हैज सिट हियर, ये यहां बैठ गया है, किसके स्थान पर? दो दो ट्रांजेक्शन अलग अलग, 1 लाख का, 50,000 का, ये यहां आ गया है। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब एक का दूसरे के स्थान पर बैठ जाना, इसी को बोलते हैं सबरोगेशन। एक सामान्य शब्द अभी मैंने आपको बताए हैं, फिर हम कानूनी भाषा क्या कहती है, बेयर एक्ट क्या कहता है, उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो एक सिर्फ शब्द का अर्थ बताया, सबरोगेशन क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब विपरीत का स्थापित हो जाना। लेकिन इसके कुछ नियम है, लीगल सबरोगेशन होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल सबरोगेशन होता है, अलग अलग स्थितियां हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल सबरोगेशन इसको बोलते हैं, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया अभी 50,000 और दे दो, तो इसको इसके स्थान पर स्थापित कर दिया। लीगल सबरोगेशन ये है कि जब ये इसको कहीं बेच रहा है तो चूंकि इसका इंटरेस्ट भी तो है ना इस प्रॉपर्टी में, तो इसने कहा कर लो 50,000 मैं तुम्हें देता हूं, मेरे को यहाँ आने दो, क्योंकि इसका राइट पहले है, तो ये लीगल सबरोगेशन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट करके लाया जाता है किसी को तो कॉन्ट्रेक्चुअल, और जब कानून तौर पर आ जाता है तो वो लीगल, ठीक है ना? अब एक बार एक्ट में क्या क्या लिखा है देखिए, 91 91 देखो। आपने एक चीज सुनी है कि जैसे मैंने किसी पहले बैंक से लोन ले रखा है, फिर बैंक कहती है कितना लोन है आपका उस बैंक का, उसको इतना है, चलो आपके घर के हम इतने कम इंटरेस्ट पे आपके वो वाला वाला लोन टेक ओवर कर लेते हैं। तो टेक ओवर जानते हो ना इसमें, भाई यही है वो।
पहले जो बैंक थी उसने ले लिया। एक एक आदमी कई कई जगह पे अपने लोन्स ले रहा है, तो वो कहता है इनकी जगह मैं ले लेता। ठीक है, नेक्स्ट 91 निकालिए। अब देखो जो टर्म दे रखी है सबरोगेशन वो 92 में दे रखी है, लेकिन जब तक तो 91 नहीं पढ़ा है, क्योंकि 91 में भी वही बात दे रखी है कि कौन कौन किस किस स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकेगा, मतलब कौन कौन किसके स्थान पर जा सकेगा, कौन कौन मोचन का राइट रखेगा, तो ये 91 तो दोनों साथ साथ पढ़ने होते हैं, 91 92। देखें, पर्सन हु मे स्यू फॉर रिडम्पशन बिसाइड द मॉर्गेज मॉर्गेजर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे रिडीम और इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन फॉर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी नेमली। बंधककर्ताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा। देखो एक शब्द मैंने बताया ना, रिडम्पशन, रिडम्पशन बताया था क्या है ये, इसे मोचन, मोचन या रिडम्पशन है क्या चीज? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन है क्या चीज ये, मोचन है क्या? जैसे एक एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे ये आदमी है, इसे कितने रुपए लिए, इसे 50,000, और एक आदमी है जिसने इसको 1,00,000 रुपया और दे रखा था कहीं से उधार के, 1,00,000। तो ये दोनों बी और सी दोनों का टाइम हो गया, 1,50,000 रुपए इनके आ रहे थे। अब ये मकान की कीमत 20,00,000 रुपए थी, मकान की कीमत कितनी थी, 20,00,000 रुपए। अब ये तो दोनों पैसे मांग रहे हैं, ये तो नीलाम कराने के मूड में है। अच्छा लेने वाला भी तैयार हो गया, तो होता क्या, लेने वाला कम पैसे में इसको ले लेता। 1,00,000 रुपए इसने दे रखे थे, ये इसका कौन था, इससे मांगने वाला पैसे। तो जब इसे को पता लगी तो इससे कहा, यार तेरे मकान को क्यों दे रहा है इसे? बोले यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोले तुम्हारे 1,50,000 रुपए में ये मकान को ले जाएं, किसी को औने पौने बेच देंगे, पैसे तो मेरे भी मांगता हूँ, मेरे पैसे कब दोगे फिर आप? यार मैं तो तुम्हारा कर्जदार बन जाऊंगा, इनको रहने दो। तो बोले ठीक है। अब ये क्या करता है कि 50,000 रुपया तो बी को दे देता है और 1,00,000 रुपये सी को दे देता है, और इसके स्थान पर कौन आ जाता है, डी। अब इनका स्थान किसने ले लिया, डी। तो ये लीगली इसको राइट है इस तरह का रिडेम्पशन कराने का, रिडीम कराने का, रिडीम कराने का राइट इसका भी है, रिडीम कराने का। वैसे तो राइट इसका है, एब्सोल्यूट राइट किसका है, रिडीम का मतलब है कि इसके पैसे दे दे, इसके पैसे दे दे, एक तरह से राइट टू फोरक्लोजर। तो जब रिडीम कराने का राइट ए के पास है, तो इसके अलावा इसको बोलते हैं मॉर्गेजर, तो अदर देन मॉर्गेजर हु हैज दिस राइट, तो जो लोग और उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं उस सभी को ये राइट है। जैसे मैंने अभी इनको एग्जांपल बताया, इसका बताया, इसका बताया और इसका बताया,
बात समझ में आई क्या सबके? देखो इन पैसों को चुकाने का दायित्व तो किसका था? ए का। नहीं चुका पा रहा ये, अब नीलाम होने पे आ गया मकान, तो ये पहुंचा कि सब नीलामी रोक दी जाए। क्यों रोक दे? इसलिए रोक दो कि 1,00,000 रुपया मैं भी मांगता हूं इनसे, मेरे कर्जदार हैं ये, इसलिए इनके पैसे ही तो चाहिए इनको, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो लीगली ही हैज दिस राइट अंडर सेक्शन 91। और इसी को फिर जब एक ये जिनके नाम दे रहे हैं ना, यही सब्रोगेट हो जाएंगे उस स्थान पर। यहां 91 में वो नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन इस राइट को रखता है, कौन कौन इसके लिए दावा ला सकता है, केस ला सकता है। ये कहां दिया हुआ है? 91 में। देखिए तो ये लाइन, पहली लाइन समझ में आ गई कि कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा, उसके मोचन के लिए बात ला सकेगा। अब अदर देन मॉर्गेजर, अदर देन मॉर्गेजर का तो है ही है, मॉर्गेजर का तो राइट था ही था। अब मॉर्गेजर के पास पैसे नहीं है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मॉर्गेजर हु कैन स्यू फॉर दिस दीज ट्रांजेक्शंस, कौन ला सकता है? तो इनके बारे में उनकी लिस्ट दी हुई है इसमें। देखिए पहला कहता है एनी पर्सन अदर देन द मॉर्गेजी ऑफ द इंटरेस्ट सॉट टू बी रिडीम्ड हु हैज एनी इंटरेस्ट इन चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी एंड मॉर्गेज्ड और इन अपॉन द राइट टू रिडीम द सेम। कोई भी व्यक्ति उस हित के बंधकदार से भिन्न जिसका मोचन करना इप्सित है, ये नहीं ला सकते। जैसे ये स्वयं तो कैसे लाएगा अपने पैसे को, अपने रिडीम कैसे करेगा? नहीं कर सकता। ये रिडीम कैसे करेगा अपने पैसे का? हाँ, ये इसके पैसे को करेगा। एक एक क्वेश्चन आया आरजेएस में, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, एक्सप्लेन इट। सिर्फ इतना ही आया, आरजेएस का ही क्वेश्चन है, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। तो रिडीम अप का मतलब क्या है? मतलब नीचे वाले जो लोग हैं, मॉर्गेजीज हैं जो बाद में आए, वो ऊपर वालों को हटा सकते हैं। इसे इस कंसेप्ट को आगे बताऊंगा, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। यहां तक की समझ में आ गई या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो जो पैसे ही मांग रहा है वो तो कैसे रिडीम करेगा? जो पैसे ही मांग रहा है वो नहीं करेगा, जिनसे हाँ ये नहीं मांग रहा, ये भी नहीं मांग रहा, और इसको देने ही देने, तो इसके ब्याह पे ही तो दे रहे हैं ये लोग पैसे। देखिए भी देखिए, एनी सॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट और एनी पार्ट देयर ऑफ, बंधक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय कराने के लिए कोई भी प्रतिभूति। अब देखो यहां पे एक शब्द और दिया, एनी श्योरिटी, कोई भी प्रतिभूति, कोई भी प्रतिभूति या एनी श्योरिटी का मतलब क्या है? मान लो इसने जो 1,00,000 रुपए दिए उसकी गारंटी ली थी ई ने, किसने? ई ने ली थी गारंटी कि भाई साहब तुम्हारे पैसे नहीं मारे जाएंगे, दे दो। अब यहां क्या हो रहा है कि इसका मकान ही जा रहा है, मकान जा रहा है, तो ये दौड़ा दौड़ा डी किसके पास गया? ई के पास, कि देखो उसका मकान जा रहा है, मेरे 1,00,000 रुपए का क्या होगा? ई पहुंचा इसके पास, भाई क्या बात है मकान तेरा जा रहा है? वो बोले भाई साहब करूं क्या, ये दोनों टाइम आ गया इनका, अब ये मकान ले रहे हैं, ऑक्शन की बात आ गई है। तो ये ई इनसे बात करने गया, बोले नहीं हम तो बस ऑक्शन कराएंगे, हमने कोर्ट में वो लगा रखा है। अब इसका चूंकि इसने मॉर्गेज नहीं कर रखी है प्रॉपर्टी, इसने तो क्या किया था, सीधे पैसे दे रखे थे विद हिज सियोरिटी, इसकी गारंटी पर दे रखे थे। इसने कोर्ट में 110 की एप्लीकेशन लगाई, सब मेरे को पार्टी बनाया जाए। बोले तुम कौन हो? कि सब मैंने भी इनको लोन दे पैसे दिलवा रखे और मैं गारंटर हूं। तो बोले इनके पैसे तुम दोगे? बोले हाँ मैं देने के लिए तैयार हूं। अब यहां पे कौन दे रहा है? ये सियोरिटी ने ये पैसे दे दिए, खत्म।
अब श्योरिटी क्या कर रहा है, इनके स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया। श्योरिटी क्या कर रहा है, सब्रोगेशन किसका हो गया, इनका हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट सी डायरेक्ट, एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज इन सूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट ऑब्टेन्ड ए डिक्री फॉर द सेल ऑफ द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। बंधककर्ता का कोई लेनदार जिसने उसकी संपदा के प्रशासन के लिए बाद में उस बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है, क्रेडिटर कौन, क्रेडिटर, इसे क्रेडिटर मान सकते हो आप। मान लो ये प्रतिभू को हटा दे या एक नया नाम लिख सकते हो, नया नाम लिख लिया, जैसे एक क्रेडिटर था जिससे 10 लाख रुपया ले रखा था इसने और कोर्ट ने इसके फेवर में एफ, इसके फेवर में डिक्री कर दी। तो अब डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है, क्या होना है, डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है। डिक्री का एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कोर्ट विल आस्क टू एफ कि वेयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, टेल अस। तो ही सेड ए हैज दिस हाउस बट दीज पर्सन्स आर ऑल्सो मॉर्गेजी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे हैं मॉर्गेजी इसके। तो अब कितने रुपए मांग रहा है, 10 लाख। मकान कितने का है, 20 लाख का। लेकिन इनको रिमूव करना जरूरी हो गया ना इसको, तो एक तरह से 1 लाख ये, 50,000 ये, 1 लाख ये, कितने रुपया हो गया, 2.5 लाख, और 10 ये मांग रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि सब मैं इनके पैसे दे देता हूं पहले, भाई तुम रोक मत लगाओ इन बैंकों, ये मान लो ये दो बैंक हैं, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो इसने कहा कि सब मैं इनके पैसे देने के लिए तैयार हूं, फिर डिक्री का एग्जीक्यूशन मेरे फेवर में कर देना। तो इसको ये राइट है किसका, रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन का मतलब इनके पैसे देने का, रिडेम्पशन का मतलब जो बंधकदार बंधक ग्रहीता है उनके पैसे देने का। तो जितने भी मॉर्गेजेस हैं उनके पैसे कौन पे कर रहा है, एफ, एफ ने इसके दिए, इसके दिए। ये नहीं कह सकते बी और एफ और ये बी सी डी, ये नहीं कह सकते हम तो नहीं ले रहे तुमसे, ए से ही लेंगे हम तो पैसे। वो क्या कहेगा, आई हैव डिक्री अगेंस्ट हिम लीगली, यू आर बाउंड टू रिडीम दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम एनकंबरेंस। इस प्रॉपर्टी को भारमुक्त करने का तुम्हारा दायित्व है बिकॉज मेरे पास डिक्री है कोर्ट की। तो इनको क्या पैसे लेने पड़ेंगे, क्यों, ये कह सकता है इन लोगों से, यार तुम पैसे मत लेना, तुम कहना कि मैं तो ऐसे ही लूंगा जिससे कि मेरा मकान बचा रहे, मेरे डिक्री का एग्जीक्यूशन ना हो सके। तुम पार्टी बन जाओ, ये पार्टी बन जाओ और डिक्री के एग्जीक्यूशन में देखो क्या होता है। ये तो थोड़ा समझा होगा आपने, लॉ में पढ़ा होगा कि क्या होता है, सिविल में दो केस, एक तरह से दो केस जैसे चलते हैं। जैसे एक आपने प्लांट फाइल किया, उसका रिटर्न स्टेटमेंट WS, रिटर्न स्टेटमेंट आया, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मान लो फाइनल हो गई, फाइनल डिसाइड हो गया, ऑर्डर हो गया कि हाँ इसके 10 लाख रुपए मिलते हैं, बनते हैं, लेकिन 10 लाख मिले तो नहीं। इन परसुएंस ऑफ दिस ऑर्डर कोर्ट सेल मेक ए डिक्री, कोर्ट क्या करेगी, एक डिक्री बनाएगी उसके अनुसरण में। क्यों, क्योंकि डिक्री सेल भी एग्जीक्यूटेड और तभी पैसे मिलेंगे। तो डिक्री एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जब डिक्री को एग्जीक्यूशन हो रहा है तो तभी तो पैसे मिलेंगे। तो एक केस तो कहां से हुआ, प्लान टू ऑर्डर, और दूसरा कहां से हुआ, ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और डिक्री एग्जीक्यूशन पे ही नहीं, फिर डिक्री के एग्जीक्यूशन के बाद उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि डिक्री का एग्जीक्यूशन अलग अलग कोर्ट्स करा सकती हैं। मान लो ये प्रॉपर्टी मेरे गांव में है और मैं यहाँ हूं, तो वहां की कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगी, यहाँ की कैसे कराएगी,
तो यहां की कोर्ट वहां भेज देगी डिक्री को, वहां की करा के फिर क्या करेगी कि डिक्री हैज एग्जीक्यूटेड, तो वहां से यहां भेज देगी डॉक्यूमेंट सारे, तो प्रोसेस वहीं तक कंप्लीट होता है। खैर सीपीसी पढ़ाएंगे तब और भी बताएंगे, ये बात सबके समझ में आएगी। तो इसके पास क्या है, डिक्री है, तो डिक्री होल्डर को ये राइट है कि इनके पैसे देके प्रॉपर्टी पर अपनी जगह बना ले, और जब जब इनको हटा दिया तब क्या कहेगा कोर्ट से कि सर अब कोई मांगने वाला नहीं है, देयर इज नो क्रेडिटर, आई एम ओनली द क्रेडिटर, प्लीज एग्जीक्यूट दिस डिक्री इन माय फेवर। तो कोर्ट क्या करेगी, भाई अब बता, इनके पैसे भी देने पड़ेंगे उसको जो 2.5 लाख रुपया है, कि भाई 2.5 और 10 साढ़े 12 है, 12.5 लाख रुपया दे रहे हो, या हम इसके हमारे 20 लाख के मकान को इनको कर दे, और भी नीलामी कराएंगे, नीलामी करके पता लगा कि मकान 25 लाख का बिका तो 12.5 इसको दे दिए और बाकी पैसे इसको दे दिए, और एग्जीक्यूशन के पैसे काट लिए, जो जो काम किया कोर्ट की जो प्रोसीडिंग में पैसा लगा वो पैसा काट दिया जाएगा, वो चार्जेस बहुत होते हैं क्योंकि सारी मशीनरी उस ऑक्शन में लगी हुई है। समझ में आ गया सबके, अब इसको 91 को जितनी भी आपको बातें बताई हैं आप अपने लेवल पर एक बार पढ़ो, 91 पढ़ो। धीमे धीमे पढ़ो और अब जितने भी कंसेप्ट बताए उनको समझने की कोशिश करो क्या बताया। सबके समझ में आ गया, कोई ऐसा है जिसके कोई लाइन समझ में ना आई हो, जिसकी कोई लाइन समझ में ना आई हो, ये सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, ये क्या कहना चाह रहा है। आगे चलो नेक्स्ट, अब देखो अभी जो 91 में जितने लोगों के बारे में आपने पढ़ा, जैसे इसमें क्रेडिटर्स को पढ़ा, को मॉर्गेजर्स को पढ़ा, मॉर्गेजीज को पढ़ा, है ना, ये सबको पढ़ा, ये सब रिडेंशन का सूट फाइल कर सकते हैं। इसी क्रिया को जब जिसने रिडेंशन का सूट फाइल करके उसके दूसरे के पैसे दे दिए और उसके स्थान पर आ गया, उसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं, उसी को प्रत्याशन का नियम भी बोलते हैं, रूल ऑफ सबरोगेशन बोलते हैं। ठीक है, यही है पूरे इसमें, देखें एक बार डायरेक्ट देखिए, सबरोगेशन एनी ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 91 अदर देन द मॉर्गेजर एंड एनी को मॉर्गेजर सेल ऑन रिडीमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज हैव सो फॉर एज रिगार्ड्स रिडेम्पशन फॉरक्लोजर और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी द सेम राइट एज द मॉर्गेजी हु हैज हुज
मॉर्गेज ही रिडीम्स मे हैव अंगेज द मॉर्गेजर और एनी अदर मॉर्गेजी। धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी सहबंधककर्ता उस संपत्ति का जो बंधक अधीन है मोचन कराने पर वहां तक जहां तक ऐसी संपत्ति के मोचन के प्रबंध का विक्रय का संबंध है वे ही अधिकार रखेगा जिन्हें बंधककर्ता के किसी अन्य बंधकदार के विरुद्ध बंधकदार रखता है जिसके बंधक का मोचन कराता है। यहां तक की बात में देखो, यहां समझने की कोशिश कीजिए। ये सहबंधक करता है, वो सहबंधकदार है, को मॉर्गेजी है। मान लो इससे यह तय हुआ कि इस 50,000 रुपए पर 3 रुपया सैकड़े की ब्याज है। ब्याज बहुत ज्यादा है, 36% की ब्याज की कह रहा है, जबकि इसके पास कितनी है, 1% की ब्याज पर, अर्थात 12% की ब्याज। यहां 36% हो गया, ये तो ब्याज ज्यादा है ना। अब जिसके पैसे दे के ये आ गया, इससे कितनी तय हुई थी, 36%, यहां 12% पे था। ये कहना चाह रहा है, द पर्सन हु इज रिडीमिंग दिस ट्रांजेक्शन शैल बी द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस विच वर एग्रीड इन बोथ द पार्टीज। जो बातें उनके बीच में पहले हुई थी उन्हीं में उन्हीं के अंतर्गत माने जाएंगे। अर्थात सी को इस अमाउंट पर कितने रुपया लेने का अधिकार रहेगा, 36%। अब ये कह रहा नहीं, मैं तो तुमने ये दे दिए पैसे इसके, तुम्हें 10 लाख पे, वो 1 लाख पे ले रहे हो ना 1%, वो 12% की ब्याज। बोले हाँ, तो वो 12% ही दूंगा मैं इस पैसे पे। समझ में आई ना। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ हुई थी वही रहेंगी। मान लो इसने, जिसने डिक्री ली थी, इसने क्या किया, इन सबके पैसे चुका दिए थे ना, इसने डिक्री ले ली 10 लाख की, इसमें ये तय था कि भाई 10 लाख ही मिलेंगे, लेकिन एडिशनल जो चुका दिए इसने 2.5 लाख रुपया, उन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलती रहेगी और उसका इसको लाभ मिलेगा। एक चीज समझ में आ रहा है क्या आपके, जैसे तुम तो बिल्कुल नए हो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है। वैसे एक बार बताऊं, ये इतनी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि किसान आदमी भी बैठा हो ना, जिसने खेती बाड़ी करके आया हो, जिसने लॉ बिल्कुल ना पढ़ा हो, ये बात तो उनके भी समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कॉमन सेंस कोडिफाइड कॉमन सेंस है, सब समझते हैं इन बातों को। पंच पंचायतें करते हैं, उन्हें कानून थोड़ी आता है, लेकिन वो लगभग ऐसी ही बातें करते हैं। अरे भाई, जब तुम इस पे इतना पैसा दे रहे थे, कोई ऐसी तो कहेंगे कि इस पे तो तुम ब्याज दे रहे थे, जब इसने चुका दिया तो इसको दे दो ब्याज, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन उन्हीं को निभा लो इस पे। अब देखो, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसे, जैसे अभी 91 में पढ़ा होता तो 92 समझने में दिक्कत आती, सीधे 92 समझते तो 91 पढ़ा होना जरूरी है उसका कंसेप्ट, क्योंकि दोनों सेक्शन जुड़े हुए हैं, तब तो जुड़े हुए, लेकिन इससे पुराना वाला समझने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके कारण मैंने कई बार क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा पढ़ाया, 395 से पढ़ाया। मैंने कहा हम उल्टा पढ़ाएंगे इसको, सर उल्टा भी पढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा ये पैटर्न तोड़ना है कि नहीं, पहले हमारा तो सर आगे इतना निकल गया, अब हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे बच्चे बहुत आते हैं, वो कहते हैं सर नया बैच कब शुरू होगा, उन्हें ऐसा लगता है भाई नए बैच से। तो टीचर, हर एक टीचर करता है, जैसे मैं भी करता हूं, कि जैसे कोई भी नया आता है तो उसके चेहरा हमें पता होता है, भाई इसका चेहरा नया आया है, तो उसको एडजस्ट करना होता है, पहले क्या चीज बता रखे जिससे कि कहानी इनको भी समझ में आने लगे। लेकिन इतनी टेक्निकल टिपिकल नहीं है लॉ की कहानी जितनी हम सोचते हैं। लेकिन टेक्निकल टिपिकल क्या है इसमें पता है, सिर्फ याद, इससे ज्यादा तो कोई टेक्निकल टिपिकल कोई चीज ही नहीं है। समझना इतना टफ नहीं है, जिसे याद हो गया एक और उल्टा कंसेप्ट है,
एक कंसेप्ट और है, आपने पक्का याद कर लिया जो अपने आप समझ में आ जाए, कोई टीचर ना समझाए तो ये संभव है। यस ये संभव है, किसी भी सेक्शन को पढ़ लो, मतलब आपने पक्का याद कर लिया तो मस्तिष्क अपने आप समझ लेगा, फिर जिस टीचर की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ टीचर रहे हैं कि इनकी एक बात समझ में आ गई, अच्छा जब ऐसा ही है तो फिर पढ़ाने वाले की जरूरत कहां है। बोले तो पढ़ाते हम कुछ नहीं है आपको, तुम तो याद करो सुनाओ, तो भी सिलेक्शन हुए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क पकड़ लेता है। फिर टीचर से फायदा क्या है? टीचर से एक ही फायदा है कि ये काम जैसे पक्का याद करके फिर समझना देर लगेगी, टीचर अच्छे से समझा दे फिर याद कर लो जल्दी हो जाएगा। बस सिर्फ वो जल्दी का और देर का अंतर, और कोई दूसरा अंतर नहीं है। कोई स्टूडेंट तय कर ले कि मैं बिना कोचिंग के पास होना चाहता हूं तो पास हो सकता है, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है कोई भी, लेकिन वो याद करे। और भाषा, भाषा में ये है कि शब्द समझ में थोड़ा थोड़ा देर से आते हैं, वोकैब तो सबको अच्छी करनी ही होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की। कम टू द पॉइंट, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया, दूसरा पैराग्राफ, द राइट conferred by this section is called the right of subrogation. जो बात कहनी थी इसको क्या बोलते हैं? Right of subrogation. इसी को बोलते हैं rule of subrogation. प्रत्यासन का सिद्धांत कह लो या प्रत्यासन का अधिकार कह लो, एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आया है आरजेएस में, प्रत्यासन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, तब आपको 91-92 दोनों लिखने हैं। पहले ही बताना होगा कि प्रत्यासन का सिद्धांत ये होता है, और जिन 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 को दूसरे के स्थान पर बैठने का अधिकार है उनकी एक लिस्ट सेक्शन 91 में दे रखी है। क्या दे रखी है? 91 पे, तो ये उसके लिए केस ला सकते हैं, इतनी सी बात। इस दायरा अधिकार प्रत्यासन का अधिकार कहलाता है, एंड पर्सन एक्वायरिंग द सेम इज सेट टू बी सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी हूज मॉर्गेज ही रिडीम्स। ए पर्सन हु हैज एडवांस टू मॉर्गेजर मॉर्गेज मनी होगी ये, विद विच मॉर्गेज has been redeemed shall be subrogated to the right of the mortgagee whose mortgage has been redeemed if the mortgagor has by a registered instrument agreed that such person shall be so subrogated. इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्यासन का अधिकार कहलाता है। जो व्यक्ति उसे अर्जित करता है वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हुआ कहलाता है जिसके बंधक का वह मोचन कराता है। ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि एक तो इसमें यह बता दिया कि प्रत्यासन का अधिकार क्या है, दूसरा ये बताया कि जो भी प्रतिस्थापित हो जाता है, जो भी उसके स्थान पर प्रत्यासीन हो जाता है, सबरोगेटेड हो जाता है, उसको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो अधिकार उसको होने चाहिए। वह व्यक्ति जिसने बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है, जिसमें बंधक का मोचन हुआ है, उस बंधक कर्दार के अधिकारों में प्रत्यासीन हो जाएगा जिसके बंधक का मोचन कराया है। यदि बंधक कर्ता ने रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करार किया है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्यासीन हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, यहीं पर थोड़ा सा समझ लो, सबरोगेशन दो प्रकार का है। एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सबरोगेशन, एक को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल सबरोगेशन। अब देखो यहां कॉन्ट्रैक्ट किन किन में हो रहा है,
इसने कहा कि यार पैसे दो, बोले ठीक है मैं चुका देता हूँ इनकी, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल सब्रोगेशन। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये इससे ने मांग के किसी नेक्स्ट जी के पास चला गया, यार मेरे बहुत लफड़े हो रहे हैं, तू मेरा दोस्त है, आजकल अमेरिका में बहुत पैसे कमा रहा है, क्या क्या है कि मेरा मकान है 12.5 लाख रुपया देना है, बोले चल ठीक है सबको मैं दे देता हूँ, तेरे को देता हूँ पैसा, और उनका जो भी तेरे जो भी मेरे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं जिनको मैं देता था वो तुम्हें दे दूंगा, सबको हटा दे, बोले ठीक है 12.5 लाख रुपये मेरे से ले। सबको 12.5 लाख दे दिए इकट्ठा ही, ये भी हट गया और ये सारे सब हट गए, ये कौन सा कॉन्ट्रेक्चुअल सब्रोगेशन? संविदात्मक प्रत्याशन, इसने इससे संविदा कर ली कि यार मेरे सारे पैसे हटा दे। ये जो आदमी आया था डी कि मैं 1 लाख रुपए दे दूं, या ये आया था एफ, ये सब कैसे आए हैं? लीगल लीगल सब्रोगेशन। ये ग्राफ ये है ना, ये आप अपने बेयर एक्ट पे या कहीं पे बना लिया अगर, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशन नहीं दिए हुए, जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो ये समझ में नहीं आता है। इन एरो और इनसे तुम समझ पाओगे इसको कि क्या कहना चाहता है, जब भी इसे देखोगे पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। इसे बना लिया करो आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट याद का, 10 दिन बाद ये ऐसा ही लगेगा यार क्या पढ़ता है था, सब्रोगेशन शब्द तो याद है, पढ़ा तो था, जैसे मैंने बच्चों से पूछा मार्सेलिंग पढ़ी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टीपी पढ़ा हो और मार्सेलिंग ना पढ़ी हो, तो सभी ने ये कहा कि नहीं हमें नहीं पता, क्यों पढ़ी है लो में, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ, और अब चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मेरिट में आने की तैयारी कर रहे हो, मेरिटोरियस बनने की तैयारी कर रहे हो, तो ये याद तो करना पड़ेगा, जो एक दिन डाल दिया है दिमाग में, भूलना नहीं है, भूलना मना है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, भूलना मना है। एक मत पढ़ो आज, पूरा दिन मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल जो पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए, वो भूलना नहीं है, भूलना मना है, ये आपकी ये वचन वाक्य आपके दिमाग में आपके जहन में हर क्षण हर समय होना चाहिए। और जिसने ये हत्या कर लिया ना, भूलना मना है, धीमे धीमे धीमे, जैसे पानी रखते हैं ना कहीं, एक एक बूंद पानी गिर रहा हो, बाल्टी रखी है तो पता लगता पूरी बाल्टी भरी, तो ये ऐसे ही है सारा का सारा, पता लगता है वो कॉम्पिटिशन पास कर गया। अभी एक लड़की इंटरव्यू दे रही है जेएलओ का, तो मेरे से वो क्लास नहीं पढ़ी है, मेरे से कोई क्लास नहीं पढ़ी है, लेकिन उसने ऑनलाइन में पढ़ी है, ऑनलाइन में कर करके वो इस लेवल पर ऑनलाइन में, जबकि मैं ये मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि ऑनलाइन वाले बच्चे उतना कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, मान लो किसी से ऑनलाइन फोन पे बात करते हो ना, वीडियो कॉलिंग पे, थोड़ी देर बाद ऊब आने लगती है, कह रहे छोड़ बंद कर यार वीडियो कॉल, वैसे ही कॉल कर, तो ये मेरे चेहरे को ऐसे ही तो देख रहे हैं, वीडियो कॉल भी तो चल रही है, तो उस चेहरे से थोड़ी देर में ऊब आने लगती है, तो मेरा ये अपना पर्सनल वो है कि शायद ऐसा होता होगा, सबके साथ होता होगा लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मैंने तो क्लास ऑनलाइन देखी नहीं, मेरी क्लास ऑनलाइन लोग स्टूडेंट देखते हैं, हम तो देखते नहीं, कभी कभी मैं अपना वीडियो सुनता जरूर हूँ, मैंने क्या बोला, क्या बोल रहा था, मेरी भावभंगिमाएं कैसी थी, तो मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन उस लड़की ने बहुत अच्छा किया, हमने उसके दोनों तीनों इंटरव्यू लिए, वो सेलेक्ट होगी, रिजल्ट नहीं आया पर मैंने उसे कहा भी नहीं, पर वो सेलेक्ट होगी, बीकानेर की लड़की है, वो सेलेक्ट होगी, क्योंकि उसके कंसेप्ट इतने बढ़िया तरह से, ऑनलाइन में तुमने ये सब, तो ऑनलाइन में हर एक चीज वैसे ही पढ़ी जैसे
बोले हमारे पास तो कम पैसे थे तो हम तो ऐसे ही आए नहीं बीकानेर से यहाँ, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, उन्हें सुनना चाहिए ये बात, समझनी चाहिए कि ऐसे भी तुम कर सकते हो। पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर एक नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ए राइट ऑफ सबरोगेशन ऑन एनी पर्सन अनलेस द मॉर्गेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द राइट इज क्लेम्ड हैज बीन रिडीम्ड इन फुल। इस धारा को कोई भी बात किसी व्यक्ति का प्रत्याशन का अधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी जब तक कि वह बंधक का जिसके बारे में इस अधिकार का दावा किया गया है मोचन पूर्णतः न कर लिया गया हो। ये बात तो सिंपल है। हम इसी में एक सेक्शन है 94, राइट ऑफ मैस ने मॉर्गेज मॉर्गेजी वेयर ए प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर सक्सेसिव डेट्स टू सक्सेसिव मॉर्गेजेस मैस ने मॉर्गेजी हैज द सेम राइट अगेंस्ट मॉर्गेजी पोस्टीरियर हिमसेल्फ एज ही हैज अगेंस्ट द मॉर्गेजर। मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार जहां संपत्ति अनुक्रमिक ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकों के पास बंधक रखी जाती है मध्यवर्ती बंधकदार ने अपने पीछे वाले बंधकों के विरुद्ध वे ही अधिकार होंगे जो बंधककर्ता के विरुद्ध हैं। इसी के साथ दोनों एक साथ पढ़ाने पड़ेंगे। इसी के साथ 95 को भी थोड़ा देख ले, फिर मैं आपको समझा देता हूं सारा। राइट ऑफ रिडीमिंग को मॉर्गेजर टू एक्सपेंस वेयर द सेवरल मॉर्गेजर्स रिडीम्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ही सेल इन एनफोर्सिंग हिज राइट ऑफ सबरोगेशन अंडर सेक्शन 92 अगेंस्ट इट्स को मॉर्गेजर बी एंटाइटल टू ऐड टू द मॉर्गेज मनी रिकवरेबल फ्रॉम सच प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंसिस प्रॉपरली इनकर्ड इन सच रिडम्पशन एज इट इज एट्रीब्यूटेबल टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। मोचन कराने वाले सह बंधककर्ताओं का देय पाने का अधिकार जहां बंधककर्ताओं में से एक बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन करा लेता है वहां अपने सह बंधककर्ताओं के विरुद्ध धारा 92 के अधीन प्रत्याशन का अधिकार प्रवृत्त कराने में वह ऐसे मोचन में उचित तौर पर किए गए व्ययों का ऐसा अनुपातिक भाग अपने वसूली बंधक धन में जोड़ने का हकदार होगा जैसा वह संपत्ति में उसने अपने अंश के मध्य हुआ माना जा सकता है। ये मैंने पढ़ा दिया है वैसे 94 भी, 94 95 दोनों।
अब देखो मैं बता देता हूं क्या है ये। कभी कभी क्या होता है, जैसे इसी एग्जाम्पल में ले रहा हूं बार बार, क्योंकि इससे क्या दूसरा बनाते ही गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे ए बड़ा भाई है और इसके आर और टी, टी टी कम आर राजू, ये भी इसके भाई है दोनों, पर इनको भाई साहब कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब इसका एक जो प्लॉट था या मकान था इसने कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, लेकिन नाम इनके भी थे आर के और टी के। तो टी क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा था, आरजेएस का एग्जाम दे रहा था, इनकम, ये बेचारा खेती बाड़ी कर रहा था और ये वैसे काम उस समय जो चल रहा था वो कर रहा था, इन्होंने रख दिया सारा। अब यहां पर ये कौन है, वो मॉर्गेजर माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, साइन तो सबने किए है ना, ये नहीं माना जाएगा पैसा अकेला ए लाया था, क्या माना जाएगा, को मॉर्गेजर। अब पैसे देने की बारी आई, इनमें ही आपस में झगड़ा हो गया कि सारा मकान ही आपने रख दिया, आप कुछ नहीं करते, पता नहीं यानी कहाँ कहाँ कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जब दिक्कतें आती है, मैं हमेशा कहता हूं कि रिलेशन कैसा, जब पैसा बीच में आ जाए तब चेक करना चाहिए कैसा है, पैसे के कारण रिलेशन सामान्यतः टूट जाते हैं, रक्त के जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब देखो ऐसी जगह भी मिलेंगी, भाई भाइयों में लड़ाइयां हो रही हैं, पैसे के लिए पत्नी को पता लग गया कि पैसे वाला हो गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तो अलग, कल एक केस आया कि हम तो अलग रह लेंगे, चलो 498A का इस पर केस कर देते हैं, 498A का केस करके इससे 12 साल का बच्चा, कितने साल का है उसका, 12 साल का बच्चा है, लड़का बहुत बड़ी जॉब में चल गया, तो अब वो ठीक है, तो उसने 498A का केस कर दिया ससुर के और ऊपर और सास के ऊपर और पति के ऊपर, और एक सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा दी क्रुएलिटी की कि मेरे को डिवोर्स दिया जाए, मेरे को मारते पीटते, 498A आ गया, और क्रुएलिटी फिर वहां से सेपरेशन का केस भी ले आई, डिवोर्स का केस भी ले आई। क्या चाहिए था उसको, इसको सिर्फ चाहिए था कि मेरे को इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए, 1 करोड़ रुपए दो। देने का हथियार क्या बनाया, 498A और अलग होने का ड्राइव, वो क्रुएलिटी, क्यों, पैसे की वजह से। तो ऐसे ही ये तीनों आपस में झंझट करने लगे, लेकिन क्या हुआ, आरजेएस में सेलेक्ट हुआ। तो ये कौन थे, होम मॉर्गेजर। तो इसने क्या किया, इनके पैसे चुका दिए, लेकिन पैसे कहां से आए थे, टी से आए थे, तो ये तो सब झंझट काट दिए जितने भी थे, और वो टी, टी का क्या हुआ, अब टी के पास आ गया, ये था तो कौन, सहबंधक करता, इसके राइट, सबके राइट किसने ले लिए, टी ने ले लिए, सबके समझ में आ गई ये बात, यही लिखा हुआ है इसमें। ये आरजेएस में आया है रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, ये 94 जो सेक्शन 94 है ना, इसमें दी हुई है ये बात, पर वो आप देखोगे तो कहीं प्रतीत नहीं होगी कहाँ लिख रही है ये। अब थोड़ा सा अभी क्या है, ये बनाया, ये मिटाना नहीं चाहता।
इसकी अब जैसे हिंदी बनाएंगे तो ये आ गया मोचन ऊपर की ओर मोचन ऊपर की ओर प्रोबंध नीचे की ओर। यही आया हुआ है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन रिडीम अप एंड फोरक्लोजर डाउन, ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो इसको एक लाइन दो लाइन का ही है वैसे तो, होने को इतनी बातें लिखी हुई है। एक ए व्यक्ति है, मैं दूसरा वो बना रहा हूं, एक लाइन है पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता। कौन से? पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता पूर्ववर्ती बंधक ग्रहीताओं का मोचन करा सकेंगे। लिख लो इसको, अपने ब्रैकेट पे लिखना है इसको, बाकी लिखने वाला पार्ट तो मैं लिखाऊंगा, इंग्लिश में भी लिख लेना। लिखा है पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता सबसिक्वेंट मॉर्गेजिस पूर्ववर्ती बंधक ग्रहीता का मोचन करा सकेंगे। कैन कैन रिडीम द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट सॉरी प्रायर मॉर्गेजेस, प्रायर मॉर्गेजेस। समझ में आई क्या आपके? इससे वैसे तो जिनके समझ में आना है वो इससे समझ में आ गया होगा, ये कहना क्या चाहता है, रिडीम अप का मतलब क्या है। ऐसे ही दूसरी लाइन और लिख लो, दोनों शब्द आ जाएंगे, ऊपर वाला भी आ जाएगा नीचे वाला भी आ जाएगा। दूसरी लाइन है पूर्ववर्ती बंधक ग्रहीता पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता के ऋण को प्रोबंध से प्रो ऋण का प्रोबंध पूर्व बंद करा सकेंगे या मोचन के अधिकार को रोक सकेंगे। आप ऐसे लिख लो, जो मोचन के अधिकार को रोक सकेंगे। देखो हाँ पूर्ववर्ती बंधक ग्रहीता मॉर्गेजिस पश्चातवर्ती बंधक ग्रहीता के ऋण के मोचन को रोक सकेंगे, उसे बोलते हैं प्रूबंध पूर्वबंध या फोरक्लोजर। देखो एक वैसे तो इसमें ही आ सकता था, जैसे ए ने अपनी पी प्रॉपर्टी है, ₹30,000 लिया बी से, ₹20,000 लिया सी से और ₹10,000 लिया डी से। अब पहले तो देखो
ये समझो, इनमें इनमें पूर्ववर्ती प्रायर मॉर्गेजी कौन है? केवल बी, ये कौन है प्रायर मॉर्गेजी, और ये कौन है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस। इन्हीं सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस को मैसने मॉर्गेजी भी बोलते हैं, मध्यवर्ती बंधक ग्रहीता। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती बंधक ग्रहीता। ये पैसा इसने एक वर्ष के लिए दिया, जो मार्च 2023 में कंप्लीट होना था। इसने दो वर्ष के लिए दिया, जो मार्च 2024 में खत्म होना था। और इसने तीन वर्ष के लिए लिया ये पैसा, जो मार्च 2025 में होना था। अब जो 30,000 वाला चक्कर काट रहा है, उन्होंने मार्च में 2023 में मेरे पैसे नहीं दिए, अभी तक केस करना शुरू कर दिया इसने। अभी 24 में भी आ गई मार्च, ये भी तैयार होगा केस करने के लिए। तो मैंने कंसेप्ट क्या लगाया, रिडीम अप। क्या बताया? अप, रिडीम अप। इससे डी से 10,000 रुपए लिए, लेकिन डी से लिए 10,000 जरूर थे, लेकिन ये सबसे पैसे वाला था। उन्होंने कहा, यार तुम परेशान क्यों कर रहे हो, चलो तो मैं पैसे में दे देता हूं। तो क्या हो रहा है, तुम भी लो, दोनों को दे दिया। क्या कर रहा है, इसके पैसे जो ये इससे 20,000 मांगते थे रिडीम करा दिया, 20,000 दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, रिडीम अप। क्या बोलोगे इसे, समझ में आ गया? मोचन का अधिकार ऊपर की ओर। समझ में आ गया सबके? अब उल्टा करना पड़ेगा। ये लिख लिया क्या आपने, बना लिया क्या डायग्राम? बनाओ। डायग्राम को बना लो इसको। ये सब बनाने हैं आपको अपने उस पे, जब आप लिख कर आ रहे हो, मीन्स में जब उत्तर लिख रहे हो, तब अपने आंसर्स में ये सब बना के आने हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, एक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, रिडीम अप। मतलब नीचे वाला, अब और भी हो सकते हैं, और बहुत सारे मॉर्गेजेस हो सकते हैं ना, तो जितने भी मॉर्गेजेस हैं, जो नीचे वाला मतलब ये वाला अपने ऊपर वाले को हटा सकता है, इसके दाम को दे सकता है। दाम देना मतलब इसके इसकी जो लायबिलिटी थी, इसकी लायबिलिटी को इसको चुका सकता है। दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। मतलब मॉर्गेजर की लायबिलिटी को समाप्त करना, दिस इज रिडीम। तो रिडीम का राइट एक तो इसका है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसका मॉर्गेजर का, और इन मॉर्गेजेस का है जब ये पैसे मांग रहा है, तो इसलिए रिडीम अप। ऊपर वालों के जितने भी हैं, उन सबके पैसे दे सकता है। एक है फोर क्लोजर डाउन। एक क्या शब्द है, फोर क्लोजर डाउन। फोर क्लोजर बोलते हैं प्रोबंध या पूर्वबंध, हिंदी में पूर्वबंध या प्रोबंध। फोर क्लोजर डाउन का मतलब है, देखो आपने एक चीज पढ़ी थी जब सेक्शन 48 पढ़ाया था, टीपी का सेक्शन 48 पढ़ाया था ना, प्रायोरिटी।
पूर्विकता का नियम, रूल ऑफ प्रायोरिटी। तो जब पैसे जिसने पहले दिए हैं तो वो पहले माना जाएगा, जिसने बाद में दिए उसने बाद में माना जाएगा। नियम क्या है कि जिसका पहले मॉर्गेज हुआ था अपने मॉर्गेज मनी को वापस लेने का राइट पहले उसका है, बाद में दूसरों का है। तो पहले कौन ले सकता था इस प्रॉपर्टी से? बी का अपना राइट बनता, फिर सी का, फिर डी का, यही है ना। अब क्या हुआ, डी मांगने लग गया पहले 10,000 रुपया। अब ये डेट्स बदल देते हैं हम, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 3 वर्ष के लिए दिया था, दूसरा बना लेना या तो देख लेना या अलग से भी लिख सकते हैं। इसकी डेट्स पहले आ गई, ये पहले मांगने लग गया, फिर ये मांगने लग गया, और ये इसके सबसे बाद में। जब ये सबसे बाद में मांग रहा है तो ये कहेगा भाई तुम ऐसा है, तुम्हारा टाइम हो गया ना, तुम तो अपने पैसे लो और निकलो, मेरा तो अभी टाइम नहीं हुआ। तो इनके पैसे किनको दे रहा है? इसको नहीं दे रहा, इनको दे रहा है, इनके अधिकार को रोक रहा है। इनके अधिकार को डी और सी के भाई पहले मैं पैसे लूंगा, तो एक तरह से इनके अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा है। जैसे ये कोर्ट में गए सी और डी, तो क्या कहेगा ये बी कि सर पहले तो रूल ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार पहले पैसा मुझे मिलना चाहिए, केस लेकर आ गए। तो इसके राइट को रोकना, प्रोबंध का मतलब क्या है, राइट रोकना, मोचन के अधिकार को रोकना। प्रोबंध या फोरक्लोजर डाउन का मतलब समझ में आ गया, मोचन के अधिकार को रोकना। तो इनका अधिकार इसने रोक दिया, नहीं भाई तुम नहीं लोगे पैसे, पहले मैं लूंगा, जब मेरा पैसा जब तक नहीं आ जाता तब तक नहीं। तो पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो नीचे वाले को पहले अपने अधिकार को मांगने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का किसका अधिकार है? ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर। तो जो लाइन लिख रही है ना, प्रबंध नीचे की ओर होता है, ये इसको रोक सकता है, ये इसको रोक सकता है, तुम बाद में लेना पहले हम लेंगे पैसे, हमारा अधिकार पहला है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपके सबके? रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। एक हमने एनोमोलस मॉर्गेज पढ़ा था, और मॉर्गेज में ये लास्ट सेक्शन है जो आपके पढ़ने का 98 में। इसमें क्या है कि सिर्फ एनोमोलस मॉर्गेज में ये बताया, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विलक्षण बंधक। कौन सा बंधक? विलक्षण, कहते ना यार ये विलक्षण प्रतिभा का धनी है, मतलब अलग है ये। इसमें क्या है, जब मॉर्गेज बताया था, एनोमोलस को बताया था, तब ये बताया था कि जो और मॉर्गेज की टाइप दे रखे उनकी कंडीशंस नहीं है, बल्कि एक तरह से मिक्सचर ऑफ ऑल है ये। तो मिक्सचर ऑफ ऑल का मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, संविधान में तुम्हारी क्या शर्तें हैं वो उन पर डिपेंड है। तो जो मॉर्गेज की शर्तें आपने बना रखी हैं वो शर्तें लागू होंगी, और दूसरा एक तो जो शर्त इसमें आपने लिखी है वो, और दूसरी वहां किस तरह के संव्यवहार सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र में चलते हैं वो, इन दो पे। तो ये सिंपल है, 98 में लिखा हुआ है, 98 एक बार पढ़ लीजिए आप अपने बेरक से।
अब देखो मॉर्गेज संबंधी प्रोविजन तो हुए कंप्लीट, ठीक है। अब इसी के साथ क्या एक चीज जुड़ी हुई है, चार्ज, चार्ज या भार, चार्ज या भार, हिंदी में भार, चार्ज। देखो चार्ज क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन को क्या है, लिखा है जो बंधक की कोठी में नहीं आता लेकिन जमानत के तौर पर रखता है। इसको थोड़ा समझिएगा, ये सब हटा रहा हूं मैं अभी एक बार, ये सब बना लिया गया आपने सबने, रह गया किसी का, रह गया अच्छा ये रह गया तो लिख लो, लिखो लिखो लिख लो, एक ही लाइन है, प्रायर मॉर्गेजी कैन कैन स्टॉप कैन स्टॉप टू सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस फ्रॉम देयर राइट ऑफ रिडम्पशन, फ्रॉम देयर राइट ऑफ रिडम्पशन, और कोष्टक में डाल दो इट इज कॉल्ड फोर क्लोजर, राइट ऑफ फोर क्लोजर, इट इज कॉल्ड राइट ऑफ फोर क्लोजर टू स्टॉप द राइट ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के राइट को रोकना, रिडम्पशन के राइट को रोकना। ठीक चार्ज, चार्ज प्रतीत होता, वैसे इस चैप्टर में भी मॉर्गेज के में लिखा है, क्यों लिखा है, कि ये भार से मॉर्गेज से मिलता जुलता है, लेकिन डेफिनेशन में लिख दिया इट इज नॉट मॉर्गेज, लेकिन ये मॉर्गेज नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो डेफिनेशन में उन चीजों को मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 100 में है, पहली बात तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बात तो सभी में थी, बस सभी का मतलब मॉर्गेज में भी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो बात इसको ये बताती है कि ये दूसरी कहता है कि बाई द ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि की प्रक्रिया द्वारा, या
पक्षकारों के कृत्यों द्वारा। है ना? ये कुछ ऐसा करते हैं फॉर द श्योरिटी ऑफ अमाउंट। किसके लिए? अब इससे प्रतीत होता है कि तो मॉर्गेज की डेफिनेशन है भाई, मॉर्गेज भी यही है। तो अंतर क्या है फिर? इसने लिख दिया अंतर, ये इस तरह का लगेगा लेकिन लिख दिया बट इट इज नॉट मॉर्गेज। क्या लिखा? बट इट इज नॉट मॉर्गेज। लेकिन यह बंधक नहीं है। ये लिख दिया उन्होंने तो भाई, प्रक्रिया तो वही है पूरी की पूरी। अब जैसे एक अंतर क्या है भाई, एक्ट ऑफ पार्टीज तो ठीक है भाई, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है भाई। ऑपरेशन ऑफ लॉ मॉर्गेज में नहीं आता। मेरा मकान है, जबरदस्ती मेरे मकान को कानून कैसे मॉर्गेज कर दे दूसरे को? नहीं कर सकती ना। मतलब किसी कानून में यह व्यवस्था नहीं हो सकती है। मान लो जैसे मैंने किसी के पैसे नहीं चुकाए, ठीक है, मेरी प्रॉमिस थी कि सर मैं आपको इतना पैसा चुकाऊंगा, मैं पैसे चुका ही नहीं। वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में कहा था मेरे पास तो पैसे आ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना, इस अकाउंट में जो पैसे आएंगे उसमें से 10% ये लेते रहेंगे, 10% लेते रहेंगे, या ये प्रॉपर्टी पे इतना पैसा आपको हर मंथ चुकाना है, इसके बदौलत प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर्ड है। तो इस तरह की कोई बात कर दी है तो भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ तो हो सकती है। क्या हो सकता है? ये चार्ज तो हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता? मेरी प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज थोड़ी कर सकती है। तो बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है वो कहां आ रहा है? यहां। और दूसरा, बट इट इज नॉट मॉर्गेज। वैसे चार्ज में और मॉर्गेज में डिफरेंस पूछा जाता है, वो मैं लिखाऊंगा, दिखा दूंगा मैं आपको। चार्ज में और मॉर्गेज में डिफरेंस पूछते ही हैं। ऑनलाइन वाली हमने अटेंडेंस शुरू की है। अब जैसे अभी कुछ लोग जोड़ रहे थे, फिर कोई चले जाते हैं, अपने हिसाब से जैसे टाइम होता ना अपने हिसाब से छुट्टी कर लेते हैं। ये बुराई है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में, जब उन्हें लगता है अरे छोड़ो। अरे भाई, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको ऐसे ही अपने घर पर बैठना चाहिए। जब मानो कि आप क्लास में ही बैठे हो, टेबल चेयर पर लगा के और आप अपने लैपटॉप को सेट करके वैसे ही बैठो, तब तो आप लाभान्वित हो गए। अन्यथा तो क्लास है, ठीक है, आप अपने मन समझाने के लिए एग्जाम दे रहे हो और मेरिटोरियस बनने के लिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो या मन समझाने के लिए पढ़ रहे हो, दोनों चीजें अलग अलग है। मन समझाने के लिए बहुत सारे लोग आरजेएस की कोचिंग लेते हैं, विभिन्न स्थानों पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन की पढ़ाई अलग है और देख देख लेते हैं वो पढ़ाई अलग है। ये तो मेरिट का एग्जाम है, एक से लेके 82 तक की मेरिट बनेगी, बाकी जाओ तो पता नहीं।
मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी कोई क्लास छोड़ के जाता है इसमें। अच्छा एक बीमारी और है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, उस शाम को दोपहर में अपने हिसाब से देखते हैं क्लास। कुछ कह रहे थे कि इसको हम थोड़ा सा स्पीड करके देखते हैं, आपकी स्पीड धीमी है। अरे भाई जिस स्पीड से दिमाग में सेट होना चाहिए मैं उसी स्पीड से पढ़ाता हूं। चलो जैसे एक एग्जाम्पल चार्ज का ले लेते हैं। एक ए है, हिंदू विधवा कह सकते हैं, हिंदू विडो। और ये अब चूंकि आपने देखो सीआरपीसी में सेक्शन 125 में कोई महिला मेंटेनेंस के लिए केस करती है ना, तो वो किसके ऊपर कर सकती है? अपने पति के ऊपर कर सकती है, अपने ससुर के ऊपर थोड़ी कर सकती है। लेकिन हिंदू लॉ में जब आप जाएंगे तो ससुर के ऊपर भी, ससुर से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है, देवर से भी लिया जा सकता है, मतलब उस परिवार के जो लोग हैं उनसे मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है हिंदू महिला। तो दूसरे लोगों को भी मेंटेनेंस के अंडर में रखा गया है। अब ये हस्बैंड तो समाप्त हो गया, एज डिसीज्ड हो गया, अब ये अपने किसके पास गई? ससुर के। बोले ससुर मैं कानून पढ़ा नहीं था। बोले मैं क्यों तेरे को मेंटेनेंस दूंगा, तू तो मेरे पुत्र की पत्नी है, मेरी पत्नी थोड़ी है। बोले आपने अभी हिंदू लॉ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाई करके आई हूँ, मैं हिंदू लॉ, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस, अब इसके पास बहुत सारी चीजें थी, तो पता लगा इस ससुर के पास एक आम का बाग भी था, और हर साल आम के बाग से 10 लाख रुपए आते थे। अब अच्छे घर की थी तो भाई बोले तुम्हारे को कितने कितने परवरिश के तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें परवरिश के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ रही है? कि साहब हमें 50,000 रुपया चाहिए। कितने रुपया चाहिए? 50,000 चाहिए। अब ससुर देने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है 50,000 रुपये महीने अर्थात 6 लाख रुपये चाहिए इसको, और तुम्हारे पास और भी प्रॉपर्टीज है, तुम तो बूढ़े हो, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, ये पैसों का करते क्या हो? तो कोर्ट ने क्या किया कि भाई देखो ऐसा है, इसमें से 6 लाख रुपया, कितने रुपया? 6 लाख रुपया हर साल जितने का भी बिकेगा उसका 60% का मान लियो, 60% बाघ से जितने पैसे आएंगे उसका 60% पैसा ए के पास जाएगा। 60% पैसा किसके पास जाएगा? आरती के पास जाएगा। तो ये किसने किया? कानून ने किया। किसने किया? कानून ने किया बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून की प्रक्रिया से होगा, बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझ में आ गया आपके? अब दूसरी है पक्षकारों से, पक्षकारों का भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इसी एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। जैसे ये कोर्ट में नहीं जाती, इस ससुर के चार पांच लड़के थे,
एक लड़का आर था, एक टी था, एक डी था, एक दो तीन चार, एच जो था वो उसकी डेथ हो गई। ससुर का भी मन रहता था कि भाई ये विडो हो गई है, इसको पैसे मिलने चाहिए। कोर्ट में नहीं गई है, कोर्ट में नहीं गई, अब घर में झगड़ा हो रहा है। बोले मेरे मेरे लाले पट रहे, तुम लोग रोजाना मजे कर रहे हो सारे के सारे, पैसे की कोई कमी नहीं, मेरा हस्बैंड चला गया तो मेरी दिक्कत आ रही है। ससुर ने कहा देखो ऐसा है, तुम इसमें से 6 लाख रुपए साल के लिए लिया करो, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बोले 6 लाख रुपए, बोले तुम तो बड़े बूढ़े हो, तुम 90 साल के हो रहे हो, पता नहीं कब टिकट आ जाए, फिर कौन देगा, ये लड़ेंगे मेरे से, ये देंगे नहीं पैसे। बोले कोई बात नहीं, मैं इसका एक एग्रीमेंट ही बना देता हूं। क्या बना देता हूं, इसमें से तुम्हें 60% पैसा, 6 लाख रुपया तुम्हें मिलते ही रहेंगे। तो ये किसने किया, पार्टीज ने बना दिया, पार्टीज ने एक, तो पार्टीज ने मतलब ससुर ने ही इस पर चार्ज कर दिया कि भाई ठीक है ये आपको देने, पहले कोर्ट कर रही थी अब ससुर ने कर दिया। समझ में आ गया आपको, दिस इज द चार्ज। अब एक्ट में क्या क्या लिख रहा है, एक्ट की डेफिनेशन प्लीज सी द एक्ट। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, जहां एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन संदाय के लिए प्रतिभूत बन जाती है और वह समयवार बंधक की कोटि में नहीं आता है, एंड द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज। यहां तक की समझ में आ गई, ये मैंने लिखा ही डेफिनेशन आपको, दिस इज द डेफिनेशन, यही मैंने टुकड़ों में लिख के दी यहां पर, दिस इज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, उसकी कोटी में नहीं आता, लगता जरूर है मॉर्गेज जैसा। अच्छा, इस चैप्टर में डालने के पीछे कारण भी यही है, मान लो किसी और जगह दे देते चार्ज तो क्या होता, लोग कंफ्यूज होते, क्या ये तो मॉर्गेज है या चार्ज है, इसमें दो ही डिफरेंस है जो डेफिनेशंस को देखकर देखा जाए कि इसके द्वारा कोई भी कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को दूसरे को मॉर्गेज नहीं कर सकती है। वहां आपने ये लाइन नहीं पढ़ी थी भाई, भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, द लेटर पर्सन इज सेट टू हैव ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एंड ऑल प्रोविजंस हियर इन बिफोर कंटेंट विच अप्लाई टू सिंपली मॉर्गेज and sell so far as may be applied to such charge। जहां एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन संदाय के लिए प्रतिभूत बन जाती है, वह समयबाहर बंधक की कोटी में नहीं आता है, यह कहा जाता है, पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है, एतिस्मिन पूर्ण अंतर्विष्ट वे सब उपंद जो सादा बंधक को लागू होते हैं, ऐसे बंधक ऐसे भार को यावत शक्य लागू होंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू द चार्ज ऑफ ट्रस्टी ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई any law for the time being enforced, no charge shall be enforced against any property in the hands of the person to whom such property has been transferred for the consideration and without notice of the charge। न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए हुए व्ययों के लिए भार न्यासधारी का न्यस्त संपत्ति पर होता है। न्यास के निष्पादन में उचित रूप से किए हुए व्ययों के लिए भार न्यासधारी अन्य संपत्ति पर होता है, उसे इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होती है, किसी तत्व में प्रवृत्त विधि द्वारा या अन्यथा अव्यक्त उपबंध को छोड़कर कोई भी भार उस संपत्ति के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति के हस्तगत हो, जैसे संपत्ति प्रतिफलार्थ और उस
बाहर की सूचना के बिना अंतरित की गई हो। यहाँ पर क्या है कि जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि आप ट्रस्ट में भी बाहर, ठीक है, ट्रस्ट की संपत्ति, जैसे मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम यही मान लेते हैं कि जयपुर का ओसो चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब उसमें किराया आता है, मकान का किराया आता है, मकान का किराया आता है, तो ठीक है आप उसके मेंटेनेंस या उससे संबंधित पैसों का तो कर सकते हो, लेकिन उस ट्रस्ट पर अपने बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज यू कैन नॉट मेक ए चार्ज। ट्रस्ट प्रॉपर्टीज पर आप नहीं कर सकते ऐसा। हाँ ठीक है, उस पर मान लो जैसे बिजली का बिल नहीं दिया, तो बिजली के बिल में तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और का, जैसे यहां आया था, मान लो जैसे एक ट्रस्टी बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है कि साहब मेरे तो लाले पड़ रहे, मेरे को मेंटेनेंस दिलाओ, ऐसा नहीं कर सकती, ना कोर्ट कर सकती है ना कोई और कर सकता है कि साहब मेंटेनेंस के लिए तुम इससे पैसे आते ना ट्रस्ट से, उसका किराया वहां आता है और भी कहीं से आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है या कोई डोनेशन आता है, तो उनसे तुम पैसे ले लिया करो, ऐसे कोर्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? ये प्रोटेक्शन है ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के लिए, बाकी के लिए नहीं है। अब जैसे इसका डिफरेंस एक बार देख ले, हटा दूं ये, अब डिफरेंस की बात देखें, ये सेक्शन, अब जैसे पहला है, इसमें कोई प्रकार है क्या? यहां ऐसे चार्ज की कोई टाइप थोड़ी है, तो जैसे इसके कितने होते हैं टाइप्स हैं, 6, आप पढ़ चुके हो, उन्हीं बातों को मैं रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा, ये एक्ट ऑफ पार्टीज द्वारा बनता है, पक्षकार अपने निर्णय करते हैं, यहां ऐसा नहीं है, यहां ये दो से बनता है, यहां दो हैं, यहां पे एक ही बात है। दूसरी, इसका आपने पढ़ा था ना रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन असेंशियल है ना, यहां कोई रजिस्ट्रेशन की बात आई नहीं है, ठीक है ना। और ये जितने भी प्रोविजन थे रिडेम्पशन वाले या इस तरह के, रिडीम और फोरक्लोजर, ये सब बातें किसमें है? मॉर्गेज में, चार्ज में कुछ नहीं। चार्ज में एक सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 100, उसमें सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है और ये बता रखा है कि ये स्थिति है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो ये चार्ज भी कंप्लीट हुआ आपके। ऐसे करके मैं लिखा दूंगा इसमें और भी, अच्छा अभी मैं वो चेंज करूंगा ना तब कर लो, इसमें लेक्चर चेंज करूंगा। देखो एक चीज और है कि ये जो वीडियो थी ना, अभी आपको ध्यान आ रहा हो, पहले